हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी अगर हम एम्प्लॉई को एडवांस सैलरी देते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन हम किस प्रकार से हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं, यानी कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो ट्रांजैक्शन है ये हमारी कोई टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है। अगर आप टैली सॉफ्टवेयर के अलावा चाहे बीजी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, चाहे आप इसके अलावा अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो ये जो एडवांस सैलरी इंट्री करने की जो ट्रांजैक्शन है वो सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेम ही होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस सैलरी के बारे में, तो दोस्तों इसके अलावा चाहे आपने किसी को एडवांस शॉप रेंट पे किया हो या फिर एडवांस आपने कोई गोडाउन रेंट पे किया हो, तो सभी की ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेम ही रहती है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एम्प्लॉई को अगर हमने एडवांस सैलरी पेमेंट कर दी तो उसकी ट्रांजैक्शन हम किस तरीके से करते हैं, और जितनी सैलरी उस एम्प्लॉई की बनती है उसकी ट्रांजैक्शन हम किस तरीके से करते हैं, और कौन कौन से वाउचर हमें यूज़ करने पड़ते हैं और कौन कौन से लेजर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से अकाउंट का कोई कोर्स सीख रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा, जो क्वेश्चन था भी राकेश को 10,000 रुपये का कैश पेमेंट करिए और उसकी जो मंथली सैलरी है वो है 8,000 रुपये की। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं नवम्बर 2021, यानी कि कोई हमारे पास राकेश कुमार के नाम से हमारी कंपनी में एम्प्लॉई है और उसने नवंबर मंथ में हमारे से यानी कि कंपनी से 10,000 रुपये की कैश पेमेंट ली है और उसकी जो सैलरी बनती है नवंबर मंथ की वो बनती है 8,000 रुपये। तो अब इसकी ट्रांजैक्शन हमें किस तरीके से करनी है और जो बकाया रह जाएगा 2,000 रुपये वो हमारा कहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें दो लेज़र हमारे सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हमारे कोई टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है। अब आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसके अलावा कोई भी हो सकता है, तो आपको सबसे पहले दो लेज़र आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। फर्स्ट लेज़र जो आपका एम्प्लॉई है राकेश, उसका और उसका ग्रुप हम क्या रखेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट पर और लेज़र पर। तो हम यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट करेंगे राकेश कुमार के नाम से और इसके आगे ब्रेक में हम हिंट दे देंगे एम्प्लॉई का, ताकि हमें पता चलता रहे भी ये राकेश कुमार हमारा एम्प्लॉई है कंपनी का, क्योंकि अदरवाइज राकेश कुमार के नाम से आपके कंपनी में कोई कस्टमर भी हो सकता है, तो हमें बारी बारी इसको देखने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों, अब बात आती है भी हम इसका ग्रुप सिलेक्शन क्या रखेंगे। तो दोस्तों, अब ग्रुप सिलेक्शन की बारी आती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है भी कैश पेड 10,000 रुपये, यानी कि उसने हमारे से एडवांस पेमेंट है जो रिसीव कर ली है, तो इसका मतलब अब हमारा पैसा उसकी तरफ एडवांस चला गया। तो हम इसका जो ग्रुप सिलेक्शन रखेंगे वो रखेंगे करंट एसेट। आप इसको करंट एसेट में रख सकते हो या फिर आप इसको लोन एंड एडवांसेस में भी आप इसको रख सकते हो, यानी कि अब आपका ये एसेट साइड में ही जाएगा। अब काफ़ी सारे जो अकाउंटेंट होते हैं फ्रेशर अकाउंटेंट, वो राकेश कुमार को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में सेलेक्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। हम करेंगे करंट एसेट में सेलेक्ट इसको, और उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ रखेंगे और यहाँ पे रजिस्टर टाइप में इसको अनरजिस्टर्ड करेंगे। तो दोस्तों, अब बात आती है भी राकेश कुमार को जो 10,000 रुपये की पेमेंट करी है, ये आपकी 10,000 रुपये हो सकता है 1,000 रुपये के 10 बार भी हो सकता है, आपने 5,000 रुपये 2 बार भी पे किए हो सकते हैं या 10,000 रुपये 1 टाइम भी पे किए हो सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन हमें इतना पता चला कि अभी नवंबर मंथ में 10,000 रुपये की हम पेमेंट कर चुके हैं, तो अब हमने एक लेजर तो बना दिया राकेश कुमार के नाम से, और अब हमें एक लेजर और बनाना पड़ेगा सैलरी के नाम से। तो हम सैलरी का एक लेजर क्रिएट करेंगे सैलरी एक्सपेंसेस, और ये हमारी कंपनी का खर्चा है, तो इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और इस सैलरी पे हम कोई जीएसटी को एप्लीकेबल नहीं करते, तो जीएसटी को आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, और उसके बाद में एक बार TDS या TCS जो भी आपने एप्लीकेबल करना है उसको एक बार नोट एप्लीकेबल करना है और एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से दो लेज़र हमने क्रिएट कर लिए। अब जो सबसे पहली बात आती है भी ट्रांजैक्शन हम फर्स्ट कौन सी करेंगे जो हमने कैश पेमेंट करी है। अब मान लीजिए आपने 5/11/2021 को हमने पेमेंट कर दी,
तो हम 5/11 को एक पेमेंट वाउचर की एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग वाउचर पे हम जाएंगे, डेट हम 5/11 हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अभी हमने जो लेजर क्रिएट किया था राकेश कुमार के नाम से, राकेश कुमार को हम करेंगे डेबिट 10,000 रुपये से। मान लीजिए हम इसको ये मान के चलेंगे कि ये 10,000 रुपये हमने वन टाइम ही कैश पेमेंट करी है और हम क्रेडिट करेंगे कैश के लेजर को और उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं एडवांस सैलरी और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब हम एक बार अगर लेजर देखेंगे राकेश कुमार का, तो इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पर जाएंगे। तो हम राकेश कुमार का लेजर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हो 10,000 रुपये उसके खाते में डेबिट हो चुके हैं, लेकिन अब नवंबर मंथ में उनकी सैलरी जो बनती है राकेश कुमार की वो 8,000 रुपये की बनती है। इसकी ट्रांजेक्शन हम किस तरीके से करेंगे? तो दोस्तों इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन है जो आपको रिवर्स करनी है, इस टाइप को हम रिवर्स एंट्री बोलते हैं जो हम करते हैं जर्नल वाउचर में। और कब करेंगे? मंथ एंड पे, यानी कि 30/11 को जर्नल वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास आएगा सबसे पहला ऑप्शन डेबिट का, यानी कि हम डेबिट कौन से लेजर को करना है। तो हम डेबिट यहाँ पर करेंगे सैलरी एक्सपेंसेस जो कि अभी हमने क्रिएट किया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप के अंडर में, और जो सैलरी बनती है वो 8,000 रुपये की है। और उसके बाद में क्रेडिट हमें किसको करना पड़ेगा? राकेश कुमार को। और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं भी नवंबर मंथ सैलरी क्रेडिट, यानी कि सैलरी जितनी बनती थी वो हमने हमारी बुक्स में उनकी जमा कर ली। अब हम बात करते हैं राकेश कुमार का लेजर अगर हम दोबारा देखेंगे तो अब राकेश कुमार की दो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक जो हमने 10,000 रुपये की पेमेंट करी थी और दूसरी 8,000 रुपये जितनी इनकी सैलरी बनती थी वो हमने जमा कर ली। तो यानी कि अब ये 2,000 रुपये का पैसा एडवांस हो गया राकेश कुमार की तरफ। तो अब हमें ये पैसा कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? बैलेंस शीट में। क्यों करेगा? क्योंकि जब हमने राकेश कुमार का लेजर क्रिएट किया था, ग्रुप सिलेक्शन हमने किया था, तो वो ग्रुप सिलेक्शन हमने किया था करेंट एसेट, और जब हम करेंट एसेट की बारी आती है तो वो हमारा करेंट एसेट का जो पार्ट होता है वो बैलेंस शीट में ही होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर राकेश कुमार का जो बैलेंस है वो हमारा एसेट साइड में अब आपको यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर दिया है ये 2,000 रुपये की, यानी कि एक तरीके से हमने इस राकेश कुमार को 2,000 रुपये का एडवांस पेमेंट कर दिया। और अगर ये एम्प्लॉय की पेमेंट अगर मान लीजिए 10,000 रुपये की हमने पेमेंट करी है और सैलरी अगर मान लीजिए इनकी बनती है 12,000 रुपये की, तो अब ये हमारा उस वक्त में क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी साइड में आपका ये 2,000 रुपये का जो बैलेंस है शो करेगा। जैसा कि हम इस ट्रांजैक्शन को मान लीजिए सैलरी 12,000 रुपये की है, तो अगर 12,000 रुपये हम इनके क्रेडिट करेंगे तो अब आप देख इसका बैलेंस यहीं से देख रहे हो, 2,000 रुपये का बैलेंस अब उनका क्रेडिट हो चुका है। और बैलेंस शीट में अगर हम जाके देखें तो ये इस बैलेंस शीट में राकेश कुमार का ये जो 2,000 रुपये का बैलेंस है वो अब माइनस के साथ शो करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अगर आपका कोई एसेट साइड के अंदर माइनस के साथ अगर कोई अमाउंट शो होती है तो इसका मतलब वो आपके इस करंट लायबिलिटी साइड का पार्ट है। अगर इस साइड में अगर आपका कोई माइनस के अंदर कोई फिगर्स अगर आपको शो होती है तो वो आपका एसेट साइड का पार्ट होता है। तो दोस्तों आई होप कि आज की इस वीडियो से जरूर आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।